गाइस, तो देखो क्या हालत है हमारा घर का, स्पेशली बैल्कनी का। सो चारों तरफ जो है ना ये बैम्बू लगा के रखा है क्योंकि पेंटिंग का काम चल रहा है, थोड़ा तो करना ही पड़ता है एडजस्ट। पर क्या है ना कि हमारे इस टाइम पे कर रहे हैं ना, यही प्रॉब्लम है। और बहुत दिन पहले से स्टार्ट हुआ था, अभी शायद और एक महीना चलेगा। आई होप कि मेरी बेबी आने से पहले ये काम एटलीस्ट ख़त्म हो जाए। कभी बोले गाड़ी को घुसाओ वॉचमैन आके, कभी बोले अंदर करो बाहर करो, निर्वाण को भी टाइम नहीं है। सो फिलहाल आज मुझे रेनबो भी है जाना डॉक्टर के पास, और शायद आज डॉक्टर बता देंगी हमें कि कितने वीक बाद बेबी आ सकता है। ब्रेकफास्ट में बना है दलिया का खिचड़ी। पता नहीं क्यों जब भी हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं उस दिन हम यही खाते हैं, कोइंसिडेंसली यही बनता है ब्रेकफास्ट में। हॉस्पिटल का फेवरेट है, हॉस्पिटल का भी फेवरेट है डालिया। मैं कुकिंग एक्चुअली वो मम्मी करेंगी क्योंकि वो ऑथेंटिक वाला वो रहता है, मतलब मम्मी अच्छी करेंगी। मैं चॉपिंग वगैरह मम्मी को करके देती हूँ, मम्मी को हेल्प हो जाएगा। आप रे कितना सारा चॉपिंग वॉपिंग हो गया है देखो। तो मम्मी ने ये कुमरो बोलता है ना, इसको डंटल को और पत्ते को अलग अलग चॉप किया हुआ है और मम्मी इसको चॉप करेंगी। मटर निकाल के रखा है इचोर में डालने के लिए, और बनेगा उच्छे आलू फ्राई। सो आलू और उच्छे मतलब करेला को मैंने चॉप करके रखा है, और टॉप दाल बनेगा। ये जो इचोर मतलब जैकफ्रूट की सब्जी होता है ना, उसके साथ टॉक दाल अच्छा लगता है। ये कच्चा टमाटर का टॉक दाल बनेगा, इसके अंदर मम्मी इमली डाल के बनाएंगी। और ये कुमरो शाक में डालने के लिए ये सारे बैंगन, आलू, ये है पम्पकिन शीम, ये सब चॉप करके रखा है, मैंने चॉप कर दिया है। सो बहुत सारा आइटम बनने वाला है। और मम्मी यहाँ पे कर रही है प्रॉन को कट, मतलब छील रही है। ये छोटे छोटे प्रॉन के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, इचोर मतलब रॉ जैकफ्रूट की सब्ज़ी। तो ये हमें लकीली मिला था, बहुत दिनों से हम ढूंढ रहे थे। इसका ना पकौड़ा भी अच्छा बनता है, एक दिन पकौड़ा भी बनाएंगी मम्मी। सो वो क्या था, कुमरा नहीं था ना, वो लाऊ शाक था, सॉरी। ये एक्चुअली लाऊ शाक है, मैंने कुमरो बोला, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। बाद की वेदर आप पूछते हो गाइस, अच्छा नहीं है, बारिश हो रहा है, धीमी धीमी सी बारिश हो रहा है, पर पूरा दिन जो है ना एक वो थोड़ा सा क्लाउडी वेदर रहता है और अच्छा नहीं लगता है, ठंड मौसम है, शैत शैते बोलते हैं ना बंगाली में, वैसे वेदर है। और ऊपर से हमारा तो आपको पता ही है कैसा चल रहा है पूरा ब्लॉक एकदम, तो उसीलिए भी थोड़ा सा हमें बुरा लग रहा है। कल धोया था कपड़े, देखो गाइज अभी तक नहीं सूखा है। सो अभी मम्मी को थोड़ा सा हेल्प कर दिया है मैंने, अभी अनिर्बान का मीटिंग है, उसके बाद हम तय करेंगे आफ्टर लंच या बिफोर लंच हॉस्पिटल जाएंगे। फ़िलहाल और भी मम्मी बना रही है, उसमें मम्मी का और भी थोड़ा सा हेल्प चाहिए, करके आती हूँ। गाइस एक ऐसी चीज़ की नाम बताओ जो ऐसे आपके मूड को रिफ्रेश कर देता है, फ्रेगनेंस। अगर हम कोई अच्छा सा फ्रेगनेंस यूज़ करते हैं ना, तो नॉट ओनली आवर मूड, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको भी वो एनहेंस करता है। स्पेशली हम जो लड़कियां होते हैं ना, हम लोगों को ऐसी फ्रेगनेंस पसंद है जो एक हल्का सा एक फ्लोरल काइंड ऑफ कुछ खुशबू हमें थोड़ा सा एकदम माइल्ड सी लगे, और आसपास में महके, और हमारे सारे दोस्त हमें आके कॉम्प्लीमेंट दे के, अरे आपका फ्रेगनेंस क्या है बताओ। मम्मा आर्ट का नया चार फ्रेगनेंस के बारे में आज मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। तो मेरे पास है वाइट मास्क, एक्वा, ओट और फ्लोरल। ये जो फ्रेगनेंस मैं यूज़ कर रही हूँ इसका नाम है एक्वा। गाइज मैं आपको क्या बताऊँ, इसका रियली जो स्मेल है ना वो एक्वा मतलब पानी जैसा ही है, मतलब बहुत माइल्ड है, पर एक धीमी सी खुशबू आपके सारे बॉडी में इन्हेंस कर देता है, आपके लुक को एनहेंस करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हो एक अच्छा स्मेल से, तो आपका फुल लुक जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, आसपास के सभी लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। सो ये वाला फ्रेगनेंस मेरा फेवरेट है, बाकी भी और जो सारे फ्रेगनेंस है ये भी मेरी फेवरेट है। कौन सा छोड़ के कौन से मैं लगाऊँ मैं कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। जस्ट आप जैसे नॉर्मल फ्रेगनेंस यूज़ करते हैं वैसे इसको यूज़ करना है, एक बार आप यूज़ करके देखो, इसका स्मेल इतना अच्छा है ना, आप लोग मुझे थैंक यू ज़रूर बोलोगे। मामाअर्थ ने एक लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है गुड नाइट इनसाइडर। आपको तो पता ही है गाइस कि मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट अमेज़न, नाइका, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। इसके साथ साथ
ऑफलाइन भी आप ममाअर्थ की हर एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं आपके नियरेस्ट स्टोर से। ऑल्सो ममाअर्थ हैज लॉन्च देयर ऑफिशियल ऐप, यूजर गेट अर्ली एक्सेस टू सेल एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये सारे फ्रेग्रेंस आप एवरीडे बेसिस पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है यार ममाअर्थ का हर एक प्रोडक्ट ऑल नेचुरल होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं रहता है। ऑल्सो एवरी टाइम यू बाई फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन आवर वेबसाइट टू आवर ट्री दे प्लान। ममाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है, साथ ही साथ प्लास्टिक पॉजिटिव भी है। सो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग प्लीज एक बार चेक कर लेना। बज रहा है ऑलमोस्ट और इधर पे मम्मी को मैंने सभी तो कर दिया है, और कुछ जरूरत है? नहीं। प्रॉन को भी मम्मी ने थोड़ा सा छीला, अनिल ने थोड़ा सा छीला और बाकी रख दिया है फ्रिज में, आज तो नहीं होगा। तो मम्मी साग बनाएंगी, लव साग एंड इचोर चिंगड़ी। हम लोग हॉस्पिटल से घूम के आते हैं, ठीक है? निकलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। अभी ऑलमोस्ट 12:15 हो रहा है, सो आई थिंक डॉक्टर मुझे आज दे देंगी डेट। इससे पहले ना बेलू हमारा इतना गंदा कभी नहीं था, पर करने का ना कुछ फ़ायदा नहीं है, इतना वो मार्बल घिसने का काम चल रहा है ना, पेंटिंग घिस रहे हैं। एक तो दिन से दो दिन मैक्स टू मैक्स, फिर ऐसे हो जा रहा है। और ढक के भी नहीं रख सकते, ये हमें तो निकालना पड़ रहा है ऑलमोस्ट डेली अभी। डॉक्टर ने बोला गाइस कि अभी 3 वीक्स बाद कभी भी पेन आ सकता है। कैन यू इमेजिन 3 वीक्स? मुझे अभी लग रहा है कि टाइम है। तो हॉस्पिटल बैग भी प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया है, लिस्ट भी दे दिया है। हाँ, और डॉक्टर ने मैंने पूछा कि अगर अर्ली डिलीवरी हो जाता है कोई प्रॉब्लम है मैम? तो उन्होंने बोला कि तुमने वो स्टेज क्रॉस कर दिया है, अभी उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ 36 वीक में होना या उससे बाद होना ही सही है। पर मुझे ऐसे सुनकर लग रहा है कि 3 वीक्स, ओह माय गॉड, उसके बाद हम बेबी को देख सकते हैं फेस टू फेस। और आज बहुत मतलब बेबी ऐसे ऐसे कर रहा था, जब डॉक्टर देख रहे थे तो डॉक्टर ने बोला कि बेबी इज डूइंग फाइन मनुषिता, बहुत बहुत कर रहे हैं। चलो घर चलते हैं। देखो इसका नाम है आबू, ये ऑलवेज आबू ही लेते जब भी हम लोग खाना देते हैं तो इसको नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है। जब सब लोग खाना खत्म हो जाता है तब ही आता है। देखो की कोच्छे तुम्हें की आज के पूरा गरम जले चान करबे। आई ओदिके जाबी ना, ए राम तुम्हारे जामा कपड़ तुम्हें आज के ही बार कर लेट एकखुनी तुम एटा धोबे आज के, ए जामा आर रखबे ना। ठीक আছে দেখছো ছাড়ো ওকে দেখো उसको उसके पीठ में चलाने का क्या मतलब क्या ज़रूरत है। मैंने आज बहुत सारा खाना बनाया, पहले तो ये बनाया, ये लाऊ शाप, ये बनाने में बहुत तकलीफ होता है, देखने में इतना ही लगता है, और पूरा एक साथ बनाना पड़ता है ना, तो कल भी हो जाएगा, दोनों कटोरी में रखा है। और ये इचोर के साथ ना टॉक दाल बहुत अच्छा लगता है, तो टॉक दाल भी मम्मी ने बनाया है, वो भी ज़्यादा ही हो गया है, कल खाना पड़ेगा। और ये उच्छे आलू भाजा, उच्छे आज हम नहीं बनाना चाहते थे, पर उच्छे जो है ना वो सारे रेडिश ऑरेंजिस हो रहा था, मतलब पक रहा था, तो इसीलिए बनाना पड़ा। यही मैंने मम्मी को बोला है कि आप नहाने जा, मैं देखती हूँ। इधर पे हो रहा है इचोर चिंगड़ी, बहुत सारा है, ये मम्मी का बहुत टाइम गया है, वेस्ट हुआ है। ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस इस पर घी और गरम मसाला डाल के कवर करके रख देंगे। सो दोपहर की खाना पीना सब हो गया है, अभी 5:45 बज रहा है, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया है। सो आज नारियल पानी नहीं पिया था, तो अनिर्बन बोल रहे चलो नारियल पानी पी के आते हैं। हम लोगों का मतलब डेली टास्क टाइप पे हो गया। हाँ, ये खाओ वो, चेकबॉक्स चेकलिस्ट है, और एक करके सब डन करना पड़ता है। आजकल बहुत हाफ जाती है, इसीलिए एक छोटा सा बॉटल लेके निकलती हूँ, ऐसे पास में ही है। बोलते हो कि मोनोशिता नारियल पानी
पानी एवरीडे पिया करो, पर ट्रस्ट मी गाइस, नारियल पानी पीने से मुझे बहुत उल्टी आती है। जब से फिर से उल्टी स्टार्ट हुआ है ना, फिर से उल्टी आने लगा है। सो समोसा खाते वक्त लेके आए थे, बस ये समोसा ही मैं खाती हूँ, बाहर का और कुछ नहीं खाती हूँ। अनिर्बान का चल रहा है मीटिंग। आज डॉक्टर से मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, मुझे लगता है कि आपके साथ वो शेयर करना चाहिए। स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हो तो बिल्कुल इसको स्किप मत करना। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि डॉक्टर प्रोसेस बताइए, मेरे बॉडी में क्या होने वाला है, मुझे वो जानने का पूरा हक है। सो डॉक्टर ने मुझे फुल समझाया कि कैसे क्या होता है। सो फर्स्ट वेट किया जाता है, जनरली 37-38 वीक को ही ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, फेक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बारे में बाद में बताऊंगी कैसे आप उसको समझ सकते हो। सो हमारा जो यूट्रस होता है प्रेगनेंसी में, एक बलून जैसा होता है और एक मान लो रबर बैंड से वो टाई रहता है। जब वो रबर बैंड फटने लगता है, खुल जाता है और अंदर का पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, अगर पानी बाहर आ रहा है तो बेबी के लिए वो एकदम लाइफ रिस्क वाला कंडीशन हो जाता है। तो बहुत सारे बॉडी हमको सिम्टम्स देते हैं, जैसे कुछ ग्रीनिश आपको डिस्चार्ज हो सकता है, आपको ब्लड आ सकता है डिस्चार्ज में, या तो फिशी स्मेल आ सकता है, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर कुछ भी आपको अननेचुरल लग रहा है, पेन आ रहा है, उल्टी आ रही है, नौजिया बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तुरंत आप हॉस्पिटल के साथ कांटेक्ट में आ जाइए। हॉस्पिटल वो सिम्टम्स को देख के पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है आपको, या तो फिर आपको वाटर ब्रेक हो जाता है आपको पता चल जाता है, या तो कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, फिर डॉक्टर हमें चेक करते हैं। सो अगर हमें या बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर कोई भी, सजेस्ट करेंगे आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर प्रोफेशनल होते हैं और वो लोग छोटे छोटे रीज़न देके बोल देते हैं कि रिस्क है, आप सी सेक्शन करा लो। सी सेक्शन करने में डॉक्टर को 5 से 10 मिनट ही लगता है, पर सी सेक्शन मेजर सर्जरी होता है। नॉर्मल डिलीवरी एक टाइम के लिए पेनफुल होता है, पर होल लाइफ के लिए आपके लिए अच्छा होता है। सो नेक्स्ट आते हैं कैसे नॉर्मल डिलीवरी होता है, कैसे सी सेक्शन होता है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि आपका जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो आपका जो पेल्विक एरिया है वो खुलने लगता है, 10 सेंटीमीटर खुलने पे ही बच्चा जो है बाहर निकल सकता है, अदरवाइज नहीं। तो डॉक्टर चेक करते हैं फिजिकली कि आपका पेल्विक कितना सेंटीमीटर ओपन हुआ है। अगर डॉक्टर को लगता है कि आप पेन बियर कर पा रहे हो, क्योंकि बॉडी अलग अलग होता है, मुझे नहीं पता मैं भी बियर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, हालांकि मैं एक्सरसाइज वगैरह सभी प्रॉपर करती हूँ, पर स्टिल ये डिपेंड करता है मैन टू मैन। तो अगर डॉक्टर को लग रहा है कि आप बियर नहीं कर पा रहे हो तो सी सेक्शन में आपको लेके जाएंगे आपकी पेन को रिड्यूस करके, और अगर आप विदाउट कॉन्ट्रैक्शन हॉस्पिटल में एडमिट होते हो पर आपको बच्चे को निकलना होता है नॉर्मल डिलीवरी से, तो वो पेन इंड्यूस करेंगे आपको इंजेक्शन या और मेडिसिन के तरह देके। फिर डॉक्टर चेक करके अगर देख रहे हैं कि पेल्विक एरिया खुल रहा है और काफ़ी तुरंत खुल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, तो उस टाइम पे डॉक्टर एपिड्यूरल सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एपिड्यूरल देने पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। एपिड्यूरल क्या होता है, ये एक चीज़ ऐसा होता है आपके इंजेक्शन जैसे आपके बैक बोन में दिया जाता है विथ एनेस्थेशिया, ये दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो ये पेन है ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, बियरेबल कंडीशन पर आप लोग आ जाते हो उस टाइम पर। फिर इसका एक्शन नल कर देते हैं जब 10 सेंटीमीटर खुल जाता है पेल्विक एरिया, और तब आपको मतलब पुश करके बेबी को निकलना होता है। और अगर डॉक्टर समझते हैं कि ये देना भी सही नहीं है क्योंकि पेल्विक ऑलरेडी खुल रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है कंडीशन के ऊपर। सो बच्चा जब निकल रहा होता है, 10 सेंटीमीटर खुल गया होता है आपके पेल्विक एरिया, वजीना में डॉक्टर एक कट करते हैं, क्योंकि बेबी का जो सर है वो कभी कभी वजीना से निकल रहे के टाइम पे वजीना को कट फट जाता है। वजीना लाइक आपके पास ऐसा एक कपड़ा है और ये फट गया है, इसको स्टिच करने में आपको तकलीफ़ होता है, पर अगर आप इसको कैंची से काटते हो और स्टिच करते हो तो ये प्रॉपर रहता है, स्टिच करने में भी प्रॉब्लम्स नहीं होते, आपको भी प्रॉब्लम्स नहीं होते। इसीलिए आपके परमिशन लेके डॉक्टर एनेस्थेशिया देके ही आपको वजीना में कट कराते हैं, ठीक है।
सो कुछ लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में भी कट होता है, सी सेक्शन में भी कट होता है, तो डिफरेंस क्या है, हम सी सेक्शन ही कराएंगे। तो देखो सी सेक्शन में क्या है ना, पूरा पेट को काट देते हैं, सारे लेयर्स काटते हैं, हालांकि जो वजीना में कट होता है उतना ज़्यादा कट नहीं होता है, नॉर्मल जैसे हमारे स्टिचेस आते हैं वैसे स्टिचेस में आता है। तो इसीलिए ये एक मेजर सर्जरी है और ये कोई सर्जरी नहीं है। तो इसीलिए डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से में जा रहे हो। मेरा विश है मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। वीडियो को देखते देखते जाते जाते आप लोग मेरे लिए प्लीज़ गुड लक विश करके जाना। हालांकि मुझे पता नहीं है कि मैं कितना पेन बेयर कर पाऊँगी, हो सकता है मुझे सी सेक्शन ही हो, पर सी सेक्शन ऑलवेज प्लान बी होनी चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ ये शेयर करती हूँ, इसीलिए हम लोग रेनबो जो हैदराबाद के मतलब सबसे एक्सपेंसिव बोल सकते हो हॉस्पिटल में से एक है, उधर जा रहे हैं क्योंकि हमें ये चाहिए कि डॉक्टर हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ हमें कोई गलत चीज़ ना समझा के सी सेक्शन कराते, इसीलिए हम इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट दे के जाते हैं। सो कुछ भी हो आपके लिए भी गुड लक और आप लोग मुझे भी गुड लक देते जाना। कुछ भी हो वी विल रॉक। ओके चलो बाय, गुड नाइट।